प्रदेश में भले ही महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे अलग दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर का है, जहां पढ़ने वाली कई छात्राओं ने स्कूल के प्राचार्य पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है और प्राचार्य को हटाए जाने का निवेदन भी किया है। वहीं छात्रा का कहना है कि प्राचार्य अपने कमरे में अकेले में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। और यहाँ पे प्रिंसिपल सर भरद्वाज ने हमारे साथ बदतमीजी की है एंड हमारी फ्रेंड के साथ उन्होंने फ्राइडे को मीटिंग थी, बट उसको पता नहीं था तो वो स्कूल आ गई जल्दी, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की। जब वो बाहर निकली तो उसके शर्ट वर्ट की बटन खुली थी एंड और हम लोग को भी वो ऑफिस में बुलाते थे, कहते थे कि आप अकेले आया करिए और पीठ पे हाथ वाथ फेरते थे। और मुझे उन्होंने कई बार चॉकलेट्स वगैरह भी दिए हैं विदाउट वोटिंग, उन्होंने मुझे हेड गर्ल बनाया है और उन्होंने मुझे भी 21st को मंडे को बुलाया था उन्होंने मुझे, और वो कहते हैं कि क्या आप छुट्टी से पहले या छुट्टी के बाद हमसे 10 मिनट अकेले मिल सकती हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं सर मैं नहीं मिल सकती। हालांकि स्कूल प्रबंधक ने प्राचार्य को तत्काल बर्खास्त कर दिया है, लेकिन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। छेड़खानी के आरोप की कोई बात नहीं है, केवल एक पत्र नहीं, ये आप बोल रहे हैं और हमसे बुलवाना चाहते हैं, ऐसा हम बोलेंगे नहीं, आपने ऐसा कहा है और ऐसा हम बोलेंगे नहीं, ये आप बोल रहे हैं। छेड़खानी की बात नहीं है, एक पत्र था, छेड़खानी की कोई बात नहीं है दिया गया। वो पत्र देखिए, वो गार्जियन और बिटिया का मामला है, तो वो पत्र के लिए एकाधिकार गार्जियन के पास है, वो आप गार्जियन से मांगिए, वो आप गार्जियन, स्कूल में कोई गलत काम नहीं हो रहा, स्कूल में कोई गलत काम नहीं हो रहा, ये आरोप एकदम गलत है। गार्जियन ने जो वो पत्र बताया, वो पत्र आप गार्जियन से ले सकते हैं और उस पत्र के आधार पे उस गार्जियन की बात को आधार बना के, इस तरह से आप ऐसे मान सकते हैं, कोई भी घटना होती है, वो घटना डीएम ने करी या नहीं करी, लेकिन इस्तीफा डीएम से मांगा जाता है, उस आधार पे केवल उसको उनको निकाला गया है कि अगर संस्था में कुछ हो रही है तो एक नैतिक जिम्मेदारी का। राजनीति आप लोग कर रहे हैं, पत्रकार केवल राजनीति करना चाहते हैं और नेगेटिव न्यूज चाहते हैं, हम नेगेटिव नहीं है, हम सकारात्मक न्यूज के साथ बात करना चाहते हैं। सरस्वती इंटर कॉलेज का मामला है और आप लोग द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है, वहाँ हमारी टीम भी भेजी गई जांच के लिए और जांच में जो भी सही पाया जाएगा उनके परिजन जो भी तहरीर देंगे उसके सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर स्कूल पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।